संभल 18 फरवरी को हुई हत्या का पुलिस ने हैरत अंगेज खुलासा किया है। बता दें कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसके किराएदार ही निकले, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के असमौली थाना क्षेत्र में 18 फरवरी को एक शव सड़क किनारे पड़ा मिला, जिसकी पुलिस छानबीन में निकली। मृतक राकेश की पत्नी ने अपने किराएदार के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी। पुलिस बताया कि मृतक शराब का आदी था और घर में सबके साथ मारपीट भी करता था। इसी वजह से मृतक में एक बेटे की शादी भी नहीं हो रही थी, इसलिए मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी शाने आलम, जो कि उसके घर में किराए पर रहता था, उसके साथ मिलकर राकेश की हत्या की साजिश रची, जिसके बाद शाने आलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। निकला सर, क्या वजह है? ये दिनांक 18/2 को एक डेडबॉडी थाना समोली क्षेत्र में गांव के पास सड़क के किनारे मिली थी, जिसकी खोजबीन की गई। पता लगा है कि इसकी पहचान ये राकेश कुमार रोहेला के रूप में हुई, जो कि कटघर थाना क्षेत्र मुरादाबाद का रहने वाला था। इसका पोस्टमार्टम कराया गया, इसकी गला घोट के हत्या की गई थी। इस संबंध में थाना सोली में मुकदमा पंजीकृत किया गया, छानबीन की गई, जानकारी की गई, तो ये जानकारी आई कि इसकी हत्या में इसके परिजन ही शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से इसका लड़का, इसकी पत्नी और दो उनके सहयोगी हैं, जिनके सहयोग से ये हत्या की गई थी। एक शानी आलम है, दूसरा जो है सोनू मसीह करके है। ये दोनों लड़के पहले उसी घर में किराएदार के तौर पर रहते थे, और यह व्यक्ति जो मृतक था, इसका ये था कि ये शराब वगैरह पीता था, घर में मारपीट करना, लड़कों से मारपीट करना, पत्नी से मारपीट करना, और इस तरह की तमाम हरकतें करता था, जिससे घर वाले इससे तंग थे। तो ये चूंकि जो किराए पर रहते थे पहले, इनसे इन्होंने बातचीत करके षड्यंत्र रचा और इनको आगे करके इसकी हत्या करा दी, और डेड बॉडी को ला के वहाँ से ये असमौली थाना क्षेत्र में मिलकपुर मालूम पास रहता है। अच्छा, ये कोई और भी वजह थी क्या? तो मूल वजह यही थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आई कि जिससे जो किराएदार थे, महिला से भी संबंध थे, लेकिन मूल वजह ये थी कि घर वालों ने इसके मारपीट, शराब पीने, इन सब बातों से हत्यारा प्रेमी है। प्रेमी बताया नहीं, ये भी एक पहलू है कि जो मेन हत्यारे हैं, जिनसे ये घटना कराई गई, उसका मृतक की पत्नी से भी संबंध है, लेकिन घटना की मूल वजह घर वालों का परेशान होकर इसके आदतों से ये षड्यंत्र रचा गया। एक महिला भी आरोपी है सर, वो कौन? हाँ, महिला भी आरोपी, मृतक की पत्नी है।